हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। हमारे चैप्टर का एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, पॉलिनेशन। अब जो बचा है वो बचा है फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन क्या है, मीनिंग पढ़ते हैं पहले। तो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? इज द यूनियन और फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यानी कि पॉलिनेशन के बाद जो प्रोसेस होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन क्या प्रोसेस है कि पॉलन ग्रेन को मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के पास लेकर आना, फिर अब वो पॉलन ग्रेन उससे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, फ्यूज होंगे नहीं होंगे, कंबाइन होंगे नहीं होंगे, होंगे तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। उस यूनियन को, यूनियन को तो साथ में, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। इन फ्लावरिंग प्लांट्स से जब पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसेस टू मेल गैमेट्स, वो कह रहा है जो फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं उसमें जो पॉलिनेट्स होते हैं वो दो तरह के मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। द ओवर इनसाइड द ओवरी प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, यानी मेल गैमेट पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल गैमेट ओवरी के अंदर ओवियल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन की कहानी। द मैच्योर पॉलन ग्रेन इज अ सेल विद अ डबल वॉल आउटर एग्जाम इन द इंटर द इनर इन टाइम। क्या कह रहा है बेसिकली? वो कह रहा है मैचर, जो मैचर पॉलन ग्रेन होता है वो एक सेल की तरह होता है, वो एक सेल होता है, वो एक सेल होता है जिसकी डबल वॉल होती है, जिसकी जिसकी दो दीवारें होती हैं। द आउटर एग्जाम जो बाहरी दीवारें होती है उसको एग्जाम बोलते हैं, जो बाहरी दीवार होती है उसको क्या बोलते हैं? एग्जाम बोलते हैं, और जो इनर वॉल होती है उसको इन टाइम बोलते हैं। ठीक है, इट्स न्यूक्लियस इज ऑलरेडी डिवाइडेड इन टू अ ट्यूब न्यूक्लियस एंड अ जनरेटिव न्यूक्लियस। वो कह रहे हैं इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, जो ऑलरेडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ऑलरेडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। एट दिस स्टेज, एट दिस स्टेज द पॉलन इज ट्रांसफर टू स्टिग्मा। सर जब ये फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है तो उससे पहले की बात बता रहे हैं कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा पर ट्रांसफर किए जाते हैं, जिस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। फर्दर चेंजेस इन पॉलन ग्रेन अकर ओनली इफ इट हैज फॉलन ऑन द स्टिग्मा ऑफ प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। वो कह रहे हैं बाकी के चेंजेस जो होंगे वो तभी होंगे जब वो सेम स्पीशीज के वो स्टिग्मा पर गिरे होंगे, अदरवाइज फिर उसके बाद चेंजेस हो गए नहीं। तो वही बताया जो मैं आपको बताते आ रहा हूँ। हाँ, बस यहाँ पर नाम वगैरह उन्होंने नाम बता दिए और तो कुछ बताया ही नहीं है। द ओवल ओवल इज द इनर पार्ट ऑफ ओवल, ओवल इज द इनर पार्ट ऑफ ओवल। ओवल क्या है? ओवरी का अंदर का पार्ट है, ठीक है, आपको याद रखना। ओवल इज डेस्टिनेड टू बिकम द सीड। ओवल का बेसिकली पर्पस होता है, ओवल का पर्पस ये होता है कि वो बाद में सीड में चेंज हो जाए, बाद में वो किसमें चेंज हो जाए? सीड में चेंज हो जाए एंड द ओवरी टू बिकम अ फ्रूट, और ओवरी बाद में पूरा क्या बन जाए? फ्रूट बन जाए, पूरा क्या बन जाए? फ्रूट बन जाए, कंटेनिंग द सीड इनसाइड, इसके अंदर वो सीड रखा हुआ हो। देयर मे बी अ सिंगल ओव्यूल, सर हो सकता है वहाँ पर एक ही ओव्यूल हो जैसे सिंगल सीड फ्रूट निकलता हो, क्योंकि सिंगल सीड है तो सिंगल सीड फ्रूट ही निकलेगा, और अगर बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा बीज वाला फ्रूट निकलेगा। ठीक है, फिर कह रहा है ईच ऑब्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव कवरिंग, हर ऑब्यूल के प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है, इसको इंटेगूमेंट्स कहते हैं। ये सारी डेफिनेशन आपको याद करनी है, मैं डालिंग करते जा रहा हूँ सारी की सारी। ठीक है, द इंटेगूमेंट्स लीव अ स्मॉल ओपनिंग, इंटरगूमेंट्स में एक ओपनिंग भी होती है, यानी खुला हुआ हिस्सा भी होता है, ओपन एरिया भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल
एट वन एंड है ना, फॉर द एंट्री ऑफ पॉलिटिव, ताकि वहां से पॉलिटिव अंदर आ सके। एनक्लोज बाय द इंटरमेंट्स इज द न्यूक्लियस, न्यूसेलस बोलो, न्यूक्लियस बोलो, न्यूसेलस बोलो। एंड फर्दर इनसाइड द न्यूसेलस द एम्ब्रियो सैक, द एम्ब्रियो सैक वो कह रहे हैं इस इंटेग्यूमेंट से जुड़े हुए, उससे ही जुड़ा हुआ होता है क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है एम्ब्रियो सैक है ना। तो आपको जगह क्या, कहाँ पर कैसे होती है आपको याद रखनी है, अ मास ऑफ फूड लेडन सेल्स, एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा खाना डला रहता है, बहुत ज्यादा खाना डला रहता है। द एम्ब्रियो सैक कंटेन्स थ्री सेल्स, सॉरी सेवन सेल्स। अब वो सेवन सेल्स कैसे होते हैं, थ्री थ्री बनते पेयर में, थ्री थ्री बन, थ्री थ्री, तीन मैक्रो पिलर होते हैं, मैक्रो पिलर है ना, तीन अपोजिट एंड्स होते हैं जिसको एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और एक सेंट्रल सेल होता है। ठीक है, यानी कि तीन मैक्रो पिलर होते हैं जो फॉर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक एग सेल और एक और दो सिनर्जिड्स है ना। ये तीन अपोजिट एंड्स होते हैं जिसको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, एक सेंट्रल सेल होता है। सेंट्रल सेल कंटेन्स टू न्यूक्लियस, इस सेंट्रल सेल के अंदर फिर अंदर फर्दर दो न्यूक्लियस होते हैं जो कि एक साथ टुगेदर फ्यूज किए जाते हैं, जो कि एक साथ फ्यूज किए जाते हैं, जो एक साथ कंबाइन किए जाते हैं, और इनको पोलर न्यूक्लियस भी बोला जाता है। अब एक नई प्रोसेस जर्मिनेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एक थर्ड आ रही जर्मिनेशन है ना। वो कह रहा है जर्मिनेशन के बारे में मैंने पता है, जर्मिनेशन का मीनिंग पता है आपको, नहीं पता? किसी भी फ्लावर का खिलना, या किसी भी प्लांट का ग्रो होना, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। तो जब भी सीड ग्रो होते हैं, जब भी सीड ग्रो होते हैं आप प्लांट में चेंज होती है सीड, तो सीड से प्लांट होना, सीड से प्लांट होना, सीड से प्लांट होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। सर होती है कैसे, देखो क्लैरिटी दोगे यार, एक शॉर्ट में बताऊँ तो, सबसे पहले होता है पॉलिनेशन, उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद होता है जर्मिनेशन। सर मतलब समझे जी, मतलब सबसे पहले था पॉलन ग्रेन, सबसे पहले पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएंगे जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। फिर जब वो उस स्टिग्मा पर आएंगे तो उन दोनों को मिलाया जाएगा, मेल और फीमेल पार्ट्स को मिलाया जाएगा, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब मिलाया जाएगा तो कुछ टाइम बाद ये पॉलिनेशन खुद से ग्रो होंगे, जर्मिनेट होना स्टार्ट करेंगे, जिसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ओनली, सर उसकी कंडीशन है, जर्मिनेट होने की कंडीशन है, पॉलन ग्रेन तभी ग्रो होंगे जब उनकी कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो कौन सी कंडीशन है, ओनली इफ इट फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट, अगर उस सेम प्लांट के स्टिग्मा पर गिरते हैं तभी जाकर जर्मिनेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, अदरवाइज इंटीग्रेट, ये सब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, द पॉलन ग्रेन ऑन फॉलिंग ऑन द स्टिग्मा इज स्टिम्युलेटेड टू जर्मिनेटर ड्यू टू द सेक्रेशन ऑफ सुगर्स बाय द स्टिग्मा। वो कह रहा है जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरते हैं तो वहाँ पर एक स्टिम्युलेशन होता है, वहाँ पर एक अंदर से स्टिम्युलेशन होता है, किस चीज़ का, जर्मिनेट होने का, जर्मिनेशन का। ठीक है, तो वहाँ पर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है बेसिकली, क्यों, ड्यू टू सेक्रेशन ऑफ सुगर्स और स्टिग्मा, क्योंकि स्टिग्मा उस जगह पर शुगर सीक्रेट करती है, सीक्रेट और छोड़ती है, सीक्रेट मतलब छोड़ती है ना, वहाँ पर वो अपने अंदर से शुगर निकालने लगती है। थ्रू अ पॉइंट इन द एग्जाइन, एग्जाइन पता है वो अंदर का बाहर का पार्ट पढ़ा था हमने, थ्रू अ पॉइंट इन एग्जाइन, एग्जाइन में जगह होती है जहाँ पर आप पॉलन ट्यूब ग्रोज आउट, यहाँ पर एक पॉलन ट्यूब ग्रो होता है ना, कैरिंग एट अ टिप जनरेटिव न्यूक्लियस, जो अपने टिप पर जनरेटिव न्यूक्लियस को लेकर चलता है, एंड अ ट्यूब न्यूक्लियस, और ट्यूब न्यूक्लियस को भी अपने साथ लेकर चलता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं जेनेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू स्पर्म, फिर जेनेटिव न्यूक्लियस क्या करते हैं, दो स्पर्म में डिवाइड हो जाते हैं, नहीं कह सकते कि नए दो स्पर्म बनाते हैं, स्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं।
को मेल गैमेट्स भी बोलते हैं। दस इन अ जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन से दस इन अ जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन जब एक पोलन जर्मिनेट हो रहा हो तो वहाँ पर क्या होता है, दे आर थ्री निकली, तो वहाँ पर तीन तरह के निकली होंगे विच आर नॉट सेपरेटेड बाय सेल वॉल, जो कि सेल वॉल से सेपरेट नहीं हो सकते हैं, नहीं होते हैं, जिससे यार कॉमन साइटोप्लाज्म, वो एक कॉमन साइटोप्लाज्म शेयर करते हैं, जिसके लिए एक ही साइटोप्लाज्म से काम कराते हैं। द पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टिग्मा, द पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से होकर ग्रो करता है एंड द स्टाइल बाय डिजॉल्विंग द टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स रीचिंग द ओवरी। और स्टाइल होता है वो टिश्यूज के साथ डिजॉल्व होते होते विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ओवरी तक पहुँच जाता है, ओवरी तक पहुँच जाता है। देयर इट पुशेस थ्रू द माइक्रोफाइल, तो वहाँ पर आकर ये क्या करता है माइक्रोफाइल को तो प्रोसेस ये अपने आप को पुश करता है थ्रू माइक्रोफाइल, माइक्रोफाइल से होते हुए जाता है और रीच द एम्ब्रियो सैक और फिर एम्ब्रियो सैक तक पहुँच जाता है। सारी प्रोसेस द ट्यूब न्यूक्लियस विच हैड डायरेक्टेड द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ट्यूब न्यूक्लियस जो कि क्या करता है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को डायरेक्ट करता है ऑल द वे डाउन नाउ डिसइंटीग्रेट, फिर वो अब यहाँ पर आकर अलग हो जाता है। नाउ द पॉलन ट्यूब एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स एंड रिलीजेस इट्स टू स्पर्म न्यूक्लियस, मगर अब इस स्टेज पर जब ये सब कुछ होता है तो पॉलन ट्यूब क्या करता है वन ऑफ द सिनर्जिड्स में एंटर करता है, दो होते हैं एक में एंटर करता है एंड इट्स टू स्पर्म न्यूक्लियस और अपने दो न्यूक्लियस छोड़ता है, दो स्पर्म न्यूक्लियस छोड़ता है। ठीक है, ऑफ दिस वन स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजन विद एग सेल, इन दो स्पर्म में से एक स्पर्म तो ऐसा होता है जो कि क्या कहते हैं एग सेल के साथ फ्यूज करता है यानी कंबाइन होता है, जिससे एक जायगोट बनता है, जिससे क्या बनता है एक जायगोट बनता है। तो ये आपको याद रखना है, वैसे तो पूरा याद रखना है, एक स्पर्म होता है वो फ्यूज होता है ठीक ठीक है, जिससे क्या बनता है इसके अंदर जायगोट है ना। वेल द अदर स्पर्म न्यूक्लियस मूव्स टुवर्ड्स दी टू पोलर न्यूक्लियर इन दिस सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम, और जो दूसरा स्पर्म होता है वो बेसिकली सेंट्रल सेल के अंदर जाकर पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होता है ना। दस थ्री न्यूक्लियस फ्यूज टुगेदर ट्रिपल फ्यूजन टू प्रोड्यूस द एंडो स्पर्म न्यूक्लियस, वो कह रहा है इसी तरह से तीनों न्यूक्लियस मिलके वो क्या बनाते हैं एक एंडो स्पर्म बनाते हैं कुछ नहीं है ठीक है, वहाँ पर एक स्पर्म बनता है जिसका नाम उन्होंने कह दिया एंडो स्पर्म ऑल टुगेदर टू फर्टिलाइजेशन हैव अकर, वो कह रहे अब एक साथ दोनों के दोनों फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं एंड हेंस द होल प्रोसेस सिस्टम डज डबल फर्टिलाइजेशन, और इस तरह से प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, यानी एक तो यहाँ पर आकर जायगोट बन गया और एक यहाँ पर आकर एंडो स्पर्म न्यूक्लियस बन गया अलग फ्यूजन होकर, तो बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या शॉर्ट में दे दिया कि एक स्पर्म मिलकर क्या बना रहा है एग का और दूसरा क्या बना रहा है मतलब सेंट्रल सेल में कोई एंड स्पर्म बना रहा है ठीक है। फेट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लोरल पार्ट होता है उसकी किस्मत क्या होती है, फेट मतलब डेस्टिनी, फेट मतलब डेस्टिनी, बेसिकली बात करें फ्यूचर की कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लोरल पार्ट्स का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लोरल पार्ट्स का फ्यूचर क्या होता है, क्या नेचुरल रिएक्शन की किस्मत में लिखे होते हैं, तो कह रहे हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द फ्लावर हैज सर्व्ड इट्स पर्पस, तो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर का जो पर्पस था वो तो पूरा हो चुका है, तो कह रहे हैं द पेटल्स स्टेमेंट्स स्टाइल एंड स्टिग्मा एंड विदर, स्टिग्मा विदर एंड जनरली फॉल ऑफ, अच्छा वो सूख जाते हैं और जनरली झड़ जाते हैं, फॉल ऑफ मतलब आप गिरने से गिरने वाला झड़ जाना ठीक है फर्टिलाइजेशन के बाद। द कैलिक्स में इधर फॉल ऑफ और में रिमेन इंटैक्ट इन अ ड्राइड एंड सिविल फॉर्म, वो कह रहा है जो कैलिक्स होता है वो भी या तो गिर जाएगा या तो वो भी झड़ जाएगा या फिर वो इंटैक्ट रह सकता है, इंटैक्ट मतलब वैसा का वैसे रह सकता है लेकिन एक ड्राइड और सिविल्ड फॉर्म में ठीक है। एप्पल एंड गुआवा क्लियरली शो सच ड्राइड एप्पल्स, इसके एग्जाम्पल में एप्पल और गुआवा आएंगे ठीक है, वो ऐसे उनके पत्तियाँ जो होती हैं सेपल्स होते हैं वो सूखे रहते हैं, ब्रिंजल हुआ ग्रीन क्या है ना ब्रिंजल हुआ उसके जो ग्रीन कैलिक्स होते हैं वो परसिस्ट करते हैं रिमेन रहते हैं ड्राई फ्रूट, अब वो बेचारे
उनसे अटैच अटैच रहते हैं, ये नहीं झड़ते हैं, ये नहीं झड़ते हैं, ठीक है। तो ओवरी एंड लार्जेस्ट ऑफ फॉर्म फ्रूट, जो ओवरी होती है वो बड़ी होती जाती है किसके लिए, टू फॉर्म ऑफ फ्रूट, ताकि फ्रूट बन जाए। तो ओवरियन वॉल, जो ओवरी की वॉल होती है फॉर्मिंग द फ्रूट वॉल, वो जो फ्रूट वॉल बना रही होती है, बनाती है बेसिकली ना। तो ओवरी वॉल में आया ड्राई एंड हार्ड फ्रूट वॉल, जो ओवरी होती है सर, वो हो सकता है या तो आप फिर ड्राई फ्रूट वॉल बनाए, हार्ड फ्रूट वॉल बनाए, और आप फ्लैसी फ्रूट वॉल बनाए, ठीक है। ये डिपेंड करता है ओवरी पर, ओवरी भी नहीं कहूँगा मैं, ओवरी वॉल बोलूँगा स्पेसिफिकली। ऑव्यूल्स बिकम द सीड्स, ऑव्यूल्स क्या बन जाते हैं बाद में, सीड्स बन जाते हैं, तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था। द फ्रूट कंटेन्स वन और मोर सीड्स, द फ्रूट कंटेन्स वन और मोर सीड्स विच आर डेवलप्ड फ्रॉम वन और मोर ऑव्यूल्स। कम पे ऑब्वियस जाते हैं सर, एक से ज़्यादा अगर वो सीड्स हैं तो वो एक से ज़्यादा ऑव्यूल्स से बने होंगे। अटैच टू दी ओवरी, जो कि अटैच होते हैं ओवरी से बाय द मीन्स ऑफ प्लेसेंटा, यानी रायता, प्लेसेंटा टेस्ट करते हैं इसके लिए, है ना। वेन द फ्रूट इज राइप, जब फ्रूट राइप हो जाता है, द सीड्स कंटेंट इनसाइड आर रिलीज बाई वन और द अदर मेथड एंड ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स। वो कह रहे हैं जब कोई फ्रूट राइप हो जाता है, पक जाता है, तो उसके अंदर का जो सीड होता है ना, उसको वो निकल जाता है, उसको निकाल दिया जाता है नेचुरल वे में, ताकि वो एक या किसी और तरीके से, वो किसी ना किसी तरीके से बेसिकली दूसरे प्लांट्स में ग्रो होने लगे, यानी दूसरे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करने लगे, एक सूटेबल एनवायरनमेंट के अंदर, एक सूटेबल कंडीशन के अंदर। द फेट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट इज एज फॉलोज, वो कह रहे बेसिकली फ्यूचर क्या होगा इनका फ्लोरल पार्ट्स का बताते हैं। तो कह रहे जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाएगा, जो ओवरी की वॉल है वो पेरिकार्प बन जाएगी, जो ऑव्यूल है वो सीड बन जाएगा, तो प्लेसेंटा है वो तनी बन जाएगा, स्टॉक बन जाएगा, आउटर इंटेगमेंट है वो टेस्टा बन जाएगा, सीड कोट जिसको बोलते हैं, इनर अवयव टेगमेंट बन जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो था हमारा वो एंडोस्पर्म बन जाएगा, एक्सोसिलेटेड्स मिलकर एम्ब्रायो बन जाएंगे, एंटीबॉडल सेल्स बिखर जाएंगे, ये इनका फ्यूचर है, ये आपको याद करना ही करना है, ठीक है। प्रोग्रेस चार्ट, इंटेंट इज द आउटर वॉल ग्रोथ, पॉलन ट्यूब एंटर्स ऑव्यूल थ्रू माइक्रोपेल, देखना पड़ेगा ये। जायगोट गिव्स राइज़ टू एम्ब्रायो, गलत है, ये भी गलत है, जायगोट से एम्ब्रायो नहीं बनता। एक बार आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये मेरे को बता नहीं रहा था, फिर मैं देखूंगा इसको, ठीक है। इसमें आपके सारे क्वेश्चन होमवर्क हैं, अभी जरा मेरे पास टाइम बचा है, आपके कुछ होमवर्क थे, वो कुछ क्वेरीज थे आपकी, चला मैं उनको दूर कर दूं। मेरे को एक चीज पूछनी थी, ये जो आपने आज प्रोग्रेस चेक करवाई है, इसके साथ जो वो फिलअप दिए हैं उसका, ये जो फोर्थ वाला आंसर है, इसके अंदर सर आपने कहा कि मेल एंड फीमेल लिखना चाहिए, इसकी जगह सर हम एंथर एंड स्टिग्मा नहीं लिख सकते हैं, तो आपने जो पूछा इसका आंसर बिल्कुल यस है, आप लिख सकते हो, लेकिन मैं ये देख लूँ आपने प्रोग्रेस चेक में कहाँ पूछ रहे हो, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आप बोलना चाह रहे हो स्टिग्मा और एंथर है ना, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। गुप्ता वाले में शॉर्ट आंसर का
वन है, इसका सर जो सेकंड पार्ट है दैट व्हाट इट ही से अबाउट इंडिया, इसके अंदर सर पेज नंबर 58 के अंदर पूरे जो 6 पॉइंट है वो मतलब लिखने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको इतने भी 6-7 पॉइंट्स हैं ये आपको लिखने पड़ेंगे बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एडिट ऐसे लिख दो, आप उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इसका एडिट अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कहीं और से क्वेश्चन में आपके बुक में दे दिया, मतलब उस शॉर्ट में, पर ये शॉर्ट है नहीं, ये 4 क्वेश्चन बन, कम का तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता ये। और क्या पूछा, बड़े डी से अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में क्या क्या, अगर बिल्कुल आप शॉर्ट की बात करो तो शॉर्ट में आप कह सकते हो नहीं, आप याद सारी करो शॉर्ट में, बस एक काम करते हो 6 पॉइंट की कोई 2-3 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, ये मार्क्स पर डिपेंड करता है। बुक में तो आपको देर से दे दिया है, आप पूरे 6 पॉइंट ही याद करो उसके, लेकिन एग्जाम में डिपेंड करता है कितने नंबर का आ रहा है, जितने नंबर का आ रहा है उतने पॉइंट्स लिखना उसके अकॉर्डिंगली। अगर 4 मार्क्स का तो सारे पॉइंट लिखो, 2 नंबर का तो 1-2 पॉइंट लिखो केवल। ठीक है, उस तरह से उसको जस्टिफाई आप कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, आपने होमवर्क भेजा था, उन्होंने डिफरेंस भेजा है इंसेक्ट क्वालिटी और फ्लावर्स में, विंड क्वालिटी फ्लावर्स में, फ्लावर्स लार्ज होते हैं यहाँ पे, स्मॉल होते हैं ये, ब्रेडिकलर होते हैं, नॉट होते हैं ये, सेंट एमिट करते हैं दोनों। ठीक है, दे प्रोड्यूस नेक्टर। ठीक है, दे डू नॉट, ये स्टिकी होते हैं, ये थोड़े लाइट होते हैं, ये स्टिकी होती है। ठीक है, दे आर इन क्लस्टर, दे आर नॉट इन क्लस्टर, हाँ बिल्कुल परफेक्ट। इस तरह से आपको ईजी भी होगी, होगा याद करने में। ठीक है, बिल्कुल सही है। चैप्टर जल्दी खत्म हो गया, मेरे को लग नहीं रहा था। इसमें एक पार्ट है कि जरा बोर्ड में रीड करा दूं, ये टू फर्टिलाइजेशन, टू पोलर न्यूक्लियर यूनाइट टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड देन वन स्पर्म न्यूक्लियस फ्रॉम द क्वारंटाइन यूनाइट्स विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म एंडोस्पर्म सेल। जैसे डिस्टर्ड ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्विंग टू पोलर न्यूक्लियस, ये तो हमने पढ़ लिया था अभी। द अदर स्पर्म न्यूक्लियस एंटर एग सेल थ्रू द असिस्टेंस ऑफ विच देन डीजेनरेट एंड यूनाइट्स विद इट्स न्यूक्लियस, ये भी हमने पढ़ लिया था सर, पिछले स्टडी में ये अलग से दे दिया। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, मैं देखता हूँ अभी कुछ नया मेरे को पढ़ाना है नहीं पढ़ाना। ठीक है, आपके होमवर्क सारे हैं आपके रिमेनिंग है ना।